हेलो एवरीवन, शशि शर्मा किचन में आपका स्वागत है। इसमें आज हम बनाएंगे मौसम की आ रही अच्छी लाल लाल गाजर का हलवा। हम जो हलवा बनाएंगे गाजर का, वो हम बनाएंगे हलवाई के स्टाइल से, यानी जैसे हलवाई लोग मार्केट में ये मिठाई की दुकान वाले बनाते हैं, या शादी पार्टी में जो हलवाई वाला जो हलवा मिलता है, मैं उस तरीके से बनाना पसंद करूंगी। तो चलिए बनाते हैं। मैंने गाजर छील ली है सारी, साफ करके से धो के पहले और छील के साफ करके अब मैं इनको कद्दूकस करूंगी और तब मैं इनका हलवा बना। ये गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है, ये एक गाजर बची, मैं इसको भी कद्दूकस कर लेती हूँ। ये मैंने गाजर कद्दूकस की है, कढ़ाई गैस पे रख दी है। इसमें 2 चम्मच के बराबर छोटी चम्मच है यदि घी डाल दिया है और अब मैं डालती हूँ गाजर। 1.5 किलो गाजर को धो के छील के अच्छे से और कद्दूकस कर लिया मैंने। कढ़ाई मैंने बड़ी ली है इसलिए, जिससे मैं आराम से खुल के उसको चला सकूं और परेशानी ना हो कुछ भी, उसको घुमाने में चलाने में बाहर ना निकले। और गैस जब जलेगी तो 5 मिनट डलेगा तो वो बाहर ना आए। अब गैस पे रखा है मैंने इसको, जब भी हलवा बनाए तो फुल वाली गैस पे, बड़ी वाली गैस पे रखें, क्योंकि उसका जो भी इसमें पानी होता है, थोड़ा दूध या पानी जो भी कुछ होता है, सबको जलाना होता है। इसलिए अभी देख लो, 1 किलो दूध है ये, 1 किलो दूध में से मलाई वाला दूध है यानी फुल क्रीम दूध है ये। इसका मावा ये इतना सारा निकला है, 1.5 किलो दूध में मावा निकला होगा, यानी 1 किलो दूध में निकलता है 250 ग्राम, तो 125 ग्राम और लगा लो, 350-450 ग्राम ये मावा है होना चाहिए इसको, जिस हिसाब से इसको होता है। ये फुल क्रीम के दूध में से निकाला मैंने, ये सारा मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत बढ़िया हलवा बनेगा, टेस्टी, बिल्कुल पार्टी वाला, जैसा शादी ब्याह पार्टी में मैंने हलवाई लोग बनाते हैं। शुगर भी मैं बहुत कम डालूंगी इसमें, क्योंकि इसमें दूध है ज़्यादा, तो दूध और मावा ज़्यादा होगा तो इसमें उसकी मिठास हो जाएगी, गाजर की अपनी मिठास होती है, तो इसमें बहुत कम मैं शुगर डालूंगी, जिससे कोई शुगर वाला इंसान भी खाएगा तो उसको ज़्यादा दिक्कत ना आए, ज़्यादा मीठा ना खाना पड़े और वो नुकसान ना दे उसको ज़्यादा, तो इसलिए मिठास अपने आप ही खुद ही हो गई है इसमें, मावे से मिठास हो जाएगी, दूध से, गाजर से, सब चीज सब में मिठास अपनी नेचुरल मिठास होती है, तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा मीठा नहीं डालूंगी, हल्का सा ही मीठा रखूंगी इसमें। जो हम मार्केट में हलवा खाते हैं या वो रेस्टोरेंट होटल वगैरह में या पार्टी वगैरह में जो हलवा खाते हैं उनमें बहुत मीठा होता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। जो लोग ज़्यादा मीठा मीठा पसंद करते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो उनके लिए तो सही है, लेकिन मैं अपने टेस्ट के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपको मीठा मतलब तेज मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से मैं उसमें चीनी डाल सकते हैं, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ उसमें, आप कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इतना डालूंगी जितना लगे कि हाँ इससे लगेगा कि हाँ हल्का सा मीठा है, बस बिल्कुल फीका ना लगे, बस इतना ही डालूंगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी इसमें। और खाते समय भी अगर किसी को मीठे से कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं खाना, तो उसको कम मात्रा में खानी चाहिए ऐसी चीज़ें। जब खाओ मीठे को, अगर इसको बना के आपने खा लिया, थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया उठा के, तो जब भी आपको खाना हो तो पहले उसको माइक्रोवेव कर लें, हलवे को गर्म कर लें मतलब अच्छे से, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। डाल दूंगी ना मलाई इसे और अच्छा हो जाएगा, थोड़ी डालूंगी मलाई, ज़्यादा नहीं। अभी ये फुल क्रीम का दूध था 1 किलो, और 1 किलो 2 किलो दूध की, 1 किलो दूध की मलाई और डाल दूंगी मैं इसमें, और 1.5 किलो दूध का मावा डाल दूंगी, और 1.5 किलो तो गाजर है, तो 2.5 किलो तो दूध हो गया, और 2.5 किलो दूध भी फुल क्रीम का मतलब मावा सहित, मावा 1.5 किलो का मावा और 1 किलो दूध, ये तो 2.5 किलो दूध हो गया, और फिर 1 किलो दूध की मलाई 1 किलो चली जाएगी, वो घी का काम करेगी जो मैं मलाई डालूंगी। जो लोग घी डालते हैं वो घी की जगह मलाई डाल सकते हैं, वह मलाई अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। अब हम इसको जब तक जलाएंगे, जब तक ये दूध पूरा सोखेगा नहीं, पूरा दूध ही खत्म हो जाएगा अपने आप ही, तब मैं इसमें बाद में मावा सब कुछ बाकी चीज़ें डालूंगी, जब पूरा खत्म हो जाएगा दूध इसमें। इसको बीच बीच में ऐसे ही चलाता रहना पड़ेगा कि नीचे लगे ना कहीं भी, अभी तो नहीं लगेगा, अभी तो थोड़ा लिक्विड है, तो थोड़ा जैसे ही सूखेगा तो फिर लगने का चांस हो जाते हैं, इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई लगी ली है कि जिससे कोई दिक्कत ना आए जलाने में, आसानी से मेरे लिए वो आसान हो जाएगा करना। मलाई थोड़ी रखी हुई है, वो मलाई भी मैं डाल देती हूँ,
ये मलाई घी का काम करेगी, सारा इससे साइनी हो जाएगी तो हलवे में घी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और घी वैसे हेल्दी नहीं है, मैं घी नहीं डालती, इसलिए मलाई डालती हूँ, इससे ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा मलाई से। ये तरीका सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा टेस्टी, और अगर अच्छा हेल्दी हलवा बनाना तो ये सबसे बढ़िया है। इसमें घी नहीं डालना पड़ता ज़्यादा, बिना घी के काम चल जाता है। घी ज़्यादा खाना सही सेहत के लिए अच्छा नहीं होता किसी के लिए भी। आजकल का बॉडी वर्क नहीं है लोगों के भाई घी को पचा लेंगे। इसमें घी है लेकिन वो घी के फॉर्म में नहीं गया है इसके अंदर, पकने के बाद में जो घी का जो फॉर्म चेंज हो जाता है, ये मलाई गई है इसमें, तो वो काम तो वही करेगी आपको, तो उससे ज़्यादा वो टेस्टी बनेगा। ये घी का टेस्ट अलग आ जाता है, स्मेल घी की। जैसे ये और थोड़ा सा सूखेगा, सूख जाएगा अब, ये 10 मिनट में हो जाएगा पूरा। देखिए दूध अब इतना काफ़ी जल गया है, अब थोड़ा बहुत इसमें है, ज़्यादा नहीं है, गाजर सारी सॉफ्ट हो गई है हमारी। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, पिंजरे डाल दिए। देखिए ये कटोरी जो है ये भी हाफ कटोरी है, ये भी इतना ही डालूँगी चीनी, ज़्यादा नहीं डालूँगी इसमें। इसी से इसका काफ़ी मिठास हो जाएगा, इसमें कुछ दूध का मिठास है, मावे का और कुछ चीनी का, तीनों का बैलेंस होके काफ़ी होगा इसमें। इससे ज़्यादा चीनी मुझे नहीं डालनी है इसमें, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डाली जाती है इसमें, तो चीनी का नाप तोल इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसमें एक कटोरी भर की चीनी डाल दें तो खूब अच्छा तेज मीठा हो जाएगा इसमें। हम लोग मीठा थोड़ा सा कम खाना पसंद करते हैं कि मीठा नुकसानदायक है, तो इस वजह से, और चीनी कम खाते हैं तो इसलिए चीनी कम डाली है। बहुत तो इसका चीनी का पानी बनेगा, और जो दूध में भी सब करके सब जला के पूरा तब। अब मैं इसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर, ये मैंने 8-10 इलायचियों को तोड़ के इसको कूट लिया है बारीक। इसमें फ्रेश इलायची का पाउडर ना डाल के फ्रेश इलायची डालें, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, उसका टेस्ट भी फ्लेवर अच्छा आता है। तो साबुत इलायची लाएं तोड़ के, उसमें जो अदरक कूटने का इसको कूटे में, इसमें हमने कूट लिया इसको बारीक कर लिया और डाल दिया। इससे उसमें इसका अच्छा फ्लेवर आएगा, इलायची का पानी बनेगा, वो पूरी तरह से पानी होना नहीं चाहिए इसमें। तब तक इसको मुझे पकाना है फुल गैस पे, और ध्यान रखना है कि नीचे कहीं लगे ना, बहुत ज़्यादा हल्की तली कढ़ाई नहीं होनी चाहिए, उसको लगातार बोझ रखना पड़ता है कि कहीं से जल ना जाए। अगर जरा भी कहीं से नीचे जल गया तो वो सारा टेस्ट खराब हो जाएगा उसका, जले का स्मेल आने लगेगा उसमें। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, ये इसमें काजू हैं, किशमिश हैं, बादाम हैं। इनको सबको हल्का घी में सेक लिया था लाइट सा पहले, इनको फ्रेश करने के लिए। और कुछ लिए हैं मैंने खरबूजे के बीज, ये खरबूजे के बीज हैं, कुछ इसमें से डालूंगी, पूरे नहीं डालूंगी, ये बहुत ज़्यादा हैं। खरबूजे के बीज को भी मैंने घी में सेक लिया है, ये पहले ही मैंने मावा निकाला था घर में, खुद ही मावा डालने की रेसिपी डालूंगी मैं, मावा बनाने से पहले साफ कढ़ाई में मैंने जब तक घी डाल के सबको सेक लिया था पहले ही, फिर उसी कढ़ाई में मैंने ये हलवा चढ़ा दिया है। अब इसको लगातार इसको वॉच करने की और ध्यान रखने की जरूरत है कि जले ना, क्योंकि अब इसमें पानी, ये दूध इसके अंदर बहुत कम रह गया है, अब इसको बस लास्ट वो टच देना। अब ये हलवा देखिए हो गया है पूरा, इसका दूध जो था इसके अंदर उसका सब कुछ जल गया है, अब इसके अंदर बिल्कुल भी जूस नहीं है कुछ भी। ऐसे ऐसे इसको ऐसे दबा के देख लें कि इसमें कुछ है तो नहीं, ऐसे ना, और जब तक इसमें ऐसे दबाने से कुछ निकल रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ पानी जूस इसके अंदर है, तो उसको और जलाएं, इसमें लिक्विड नहीं होना चाहिए पूरी तरह से, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इस टाइम इसको बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत लगातार इसको चलाना पड़ता है। अब मैं कुछ डाल दूंगी इसमें ड्राई फ्रूट, कुछ किशमिश डाल दी मैंने, कुछ बादाम और काजू डाल दिए हैं, कुछ मैं ऊपर डेकोरेट करूंगी, कुछ मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर ये खरबूजे की गिरी जो मैंने सेक के रख रखी हैं, कुछ मैंने इसके अंदर वो डाल दिए हैं। और इलायची मैं पहले ही डाल चुकी हूँ,
अब ये पूरी तरह हो गया है। अब मैं इसको देखिए बिल्कुल, अब इसमें कहीं जूस नहीं निकल रहा है कुछ दबाने से। इसको ज्यादा दिन तक, कुछ दिन और रखना है फ्रीज में, कुछ दिन यूज करना है बस, 15 दिन तक कुछ खराब नहीं होता इसका। तो उसको ये जरूर चेक कर लें देख के कि कुछ है इसमें जूस तो नहीं है इसके अंदर, नहीं तो ये जल्दी से खराब हो जाएगा। अब इसमें कुछ जूस नहीं है। अब मैं इसकी गैस बंद करने जा रही हूँ, मावा में मावा डालूंगी थोड़ा, क्योंकि ये मावा भी फ्रेश है बिल्कुल ताजी। तो अभी मैं इसको गैस बंद करके और तब थोड़ा मावा डालूंगी, तो वो गर्म है इतना ज्यादा कि वो सारा आपस में मिक्स हो जाएगा उसके बावजूद भी। गैस बंद करनी क्योंकि ये गर्म है सब। बस अब इसमें नहीं है पानी, ये अच्छी तरह सूख चुका है। बड़ी कढ़ाई से ये कितना फायदा है कि मैं आसानी से आराम से इसको अच्छे से चला पा रही हूँ, मुझे बाहर निकलने की चिंता नहीं है इसकी। इतनी बड़ी कढ़ाई होती है तो इसमें अच्छा आसानी से बनाया जा सकता है, ना दूध निकलने का डर है ना बाहर कुछ गिरने का डर है, आसानी से पकड़ के चला पा रही हूँ। नहीं तो इसमें गैस भी हिलती वो कढ़ाई, गिरने का डर रहता कढ़ाई का, मैं इसको लगातार चलाना पड़ता है। अब मैंने गैस कर दी है बंद, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मावा डाल रही हूँ, ये देखिए इसमें अब डाल दूंगी। ये इसमें आपस में चलाते के साथ ही सब पिघल जाएगा, क्योंकि ये फ्रेश है अभी बनाया है आज ही, और ये गर्म है कढ़ाई तो ये इससे पिघल जाएगा गर्म से। देखिए इसमें बहुत सारा मावा हो जाएगा, काफी मावा है, बिल्कुल पार्टी से भी अच्छा बनेगा ये हलवा, इसे भी अच्छा बनेगा। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, इसको जब लेंगे सर्व करेंगे तो ये थोड़ा करके उसमें माइक्रोवेव में गरम करेंगे, जब भी आज के बाद खाएंगे थोड़ा तो वो और पिघल जाएगा उस टाइम पे आपस में। ये देखो कितना बढ़िया है, हो गया बहुत बढ़िया बना है, फर्स्ट क्लास। तो मैं इसमें जरा सा मीठा चेक करूंगी तो देखना बहुत ही बिल्कुल करेक्ट मीठा मिलेगा इसमें, बहुत बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, और ज्यादा मीठा होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। बॉल में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा मावा डाल देती हूँ बीच में, इससे जब मैं निकालूंगी उसमें से बाद में तो पूरा अच्छे से जहाँ मावा निकलेगा अच्छे से। ड्राई फ्रूट बीच में फिर के, और अब फिर इसके ऊपर से लेयर हलवे की, भर गया है पूरा, डाल देती हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का हलवा, इसे भी अच्छा है ये, यहाँ शादी पार्टी में भी इतना अच्छा हलवा नहीं मिलेगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट डेकोरेट कर देते हैं, काजू बादाम किशमिश, तैयार हो गया है क्लास। खाइए बनाइए बनाइए, देखिए रेसिपी में शशि शर्मा किचन में जाके, और इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए मेरे रेसिपी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहे देखने के लिए, और मेरे चैनल पर जाने के लिए थैंक यू। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो लाइक करें शेयर करें, धन्यवाद मेरी रेसिपी देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कितना अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास बहुत ही सुंदर हलवा बना है।